सर दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑलवेज विनर में। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच, और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ये टेस्ट नहीं टेस्ट। सर दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑलवेज विनर में। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच, और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में सभी मैचेस खेले जाएंगे जो कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। लेकिन हमें देखना यह है कि इस मैच में 35 लाख की दोस्तों ग्रैंड लीग है। अब बहुत से भाई हमसे ये भी कहेंगे कि भाई 1 करोड़ की ग्रैंड लीग है दोस्तों, मेगा लीग हम प्ले करेंगे, 35 लाख की ग्रैंड लीग है दोस्तों, मेगा लीग में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है 35 लाख की ग्रैंड लीग में, और मुझे पता है कि इस मैच में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम 1 करोड़ की मेगा लीग प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको 50 लाख लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस मैच में 35 लाख मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको सिर्फ 20 लाख लोगों में कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। मैं तो इस ग्रैंड लीग में या दोस्तों ग्रैंड लीग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से टीम बनाने वाला हूँ। अब देखिए, इस मैच में, टेस्ट मैच में हम किस तरह से दोस्तों ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि भाई जब T20 मैचेस होते हैं ना, तो T20 मैचेस में ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं जो 100% स्कोर करे। 100% स्कोर करने का मतलब क्या है कि अगर 10 बॉल कोई प्लेयर खेलेगा तो उसने 25 रन बनाने चाहिए, ये T20 मैचेस का रेशियो है। उसके बाद दोस्तों ODI मैच के रेशियो की बात करेंगे तो अभी ODI मैचेस भी T20 की तरह ही होते हैं, लेकिन ODI मैचेस पर अगर 20 बॉल खेल के अगर कोई 15 रन भी बना देता है तो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन भाई जब बात आती है टेस्ट मैच की, तब टेस्ट मैच में हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जैसे कि हिंदी में कहा जाता है लंबी रेस का घोड़ा, मतलब कोई ऐसा बंदा जो प्लेयर दोस्तों जो 100 बॉल खेले फिर भी अगर उन्होंने 20 रन भी बना दिया दोस्तों, 25 रन भी बना दिया तो भी चलेगा, लेकिन पहले दिन के या दोस्तों दूसरे दिन के खेल तक वो प्लेयर टिकना चाहिए, ऐसा दोस्तों हमें प्लेयर चाहिए, ऐसा प्लेयर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। तो देखिए, टेस्ट मैच की हम मेगा लीग की टीम बनाएंगे और 100% दोस्तों हमारा फोकस यही होगा कि इस मैच में दोस्तों 35 लाख हम किस तरह से विन कर सके। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना अगर दोस्तों आप सच में विनिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो दोस्तों यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आपको हमेशा की तरह फर्स्ट कमेंट में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके सीधा आप हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। और इस वीडियो को देखना मत भूलना, इस वीडियो को देख के लाइक कर देना, और आपको पता चलेगा कि भाई आप मेगा लीग क्यों नहीं विन कर पा रहे हो, क्या क्यों आपके कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चल रहे, क्या कारण है कि आपकी टीम का रैंक अच्छा नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को देख के लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो वैसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी पिच रिपोर्ट में, हालांकि दोस्तों प्लेयर का रिकॉर्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हमें बताया गया अभी पर्स स्टेडियम है, उसके बाद 7:50 में मैच स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, हमें तकरीबन 25 मिनट पहले ऑन एयर रहना होगा। पिच रिपोर्ट की दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन पे क्या बताया गया है। एप्लीकेशन पे दोस्तों हमें बताया गया कि बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच होती है, तो बैटिंग पिच का मतलब क्या होता है, टेस्ट मैच में बैटिंग पिच का मतलब होता है कि फर्स्ट इनिंग हो या दोस्तों सेकंड इनिंग हो या दोस्तों थर्ड इनिंग हो या दोस्तों फोर्थ इनिंग हो, बैटिंग पिच पे स्कोर बनता है। फर्स्ट इनिंग का जो दोस्तों एवरेज स्कोर इस पिच का हमें बताया गया है, तकरीबन बताया गया है 400+ का। अगर 400+ का स्कोर बनता है, पूरी टीम ऑल आउट भी दोस्तों होती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे लगता है जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले दोस्तों बैटिंग करने का डिसीजन ले सकते हैं। आपको पूरे फोकस के साथ देखना होगा अगर आप सच में विनिंग करना चाहते हैं ग्रैंड लीग में। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फर्स्ट इनिंग का स्कोर देखिए मैंने यहाँ पे कलर करके रखा है, यहाँ पे तकरीबन कितना बना है, तकरीबन हम 500 ही पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि 10 विकेट गए। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 600 रन बने थे फर्स्ट इनिंग में, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 400 रन बने, यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 320, शायद हम 300 भी पकड़ लेते। तो मेरे हिसाब से अगर जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले दोस्तों बैटिंग करने का डिसीजन ले सकती है। और फर्स्ट इनिंग की बात करेंगे तो इतना स्कोर बन रहा है, सेकंड इनिंग में देखिए सेकंड इनिंग में कितना कम बना है, यहाँ पे भी देखा जाए 182 बना है, यहाँ पे 217 बना है, दोस्तों यहाँ पे 243, तो सेकंड इनिंग में उतना स्कोर नहीं बन रहा है, सेकंड इनिंग में विकेट जा रहे हैं मेरे हिसाब से। नहीं, सेकंड इनिंग का स्कोर यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, ये सेकंड इनिंग का स्कोर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड इनिंग का स्कोर काफी ज्यादा लो है, जैसे कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का ये फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, ये सेकंड इनिंग का पाकिस्तान का, तो सेकंड इनिंग का जो स्कोर है वो लो बन रहा है, मतलब विकेट जा रहे, यहाँ पे 10 विकेट गया, यहाँ पे 10 विकेट, यहाँ पे 10 विकेट, यहाँ पे 10 विकेट। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो भी टीम टॉस विन करेगी पहले दोस्तों बैटिंग करने का डिसीजन लेगी और तकरीबन 400+ का स्कोर बना सकती है। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में कितना विकेट जा रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर को 55 विकेट और सेकंड इनिंग में 46, मतलब पेसर को ही ज़्यादा विकेट मिला है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को सिर्फ 19 विकेट और स्पिनर को 19 विकेट, तो रविंद्र जडेजा दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं ना, पहले एक बार सोच लेना कि भाई पेसर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। भाई दोस्तों बात करेंगे, इस वीडियो को जरूर देख लेना, ये वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तो ये
इंडिया का प्लेइंग 11 होने वाला है इस मैच में। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, रोहित शर्मा आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, शुभमन गिल इंजर्ड है। तो दोस्तों इस तरह से प्लेइंग 11 हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट टेस्ट मैच जैसे कि केएल राहुल ने खेला है, 0 रन फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में दोस्तों 12, फर्स्ट इनिंग में 6 थे, सेकंड इनिंग में खेले नहीं थे। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देखिए इस तरह से हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऋषभ पंत का सिलेक्शन देखिए 86% है। उसके बाद एलेक्स कैरी है, के राहुल खेलेंगे, जॉश इंग्लिश नहीं खेलेंगे, डी जुरेल। अब दोस्तों हमें ये देखना ही नहीं है कि किसका कितना सिलेक्शन है, अगर हमें ग्रैंड लीग विन करना है 35 लाख की, तो दोस्तों हमें ये देखना होगा कौन किस नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे कि मेन के मैचेस में क्या होता है कि कन्फर्म होता है कि भाई ऋषभ पंत किस नंबर बैटिंग करने के लिए आएगा, जुरेल किस नंबर बैटिंग करने के लिए आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है ऋषभ पंत 5 नंबर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, एलेक्स कैरी जो है वो 7 नंबर पे आ सकते हैं। एलेक्स कैरी आपको पता है, अब मुझे ये बताने की तो जरूरत ही नहीं कि इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत है, एलेक्स कैरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, के राहुल इंडिया की तरफ से, जुरेल इंडिया की तरफ से, ये सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे ये चेक नहीं करेंगे, ऋषभ पंत 5 नंबर पे आते, एलेक्स कैरी 7 नंबर पे आ रहे, के राहुल ओपन कर रहे, डी जुरेल 6 नंबर पे आते हैं। वही दोस्तों बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की, तो आपको पता होगा ट्रेविस हिल 5 नंबर पे आते हैं, स्टीवन स्मिथ 4 नंबर पे आते हैं, विराट कोहली 4 नंबर पे, जायसवाल ओपन करते, लघुशयन 3 नंबर पे, ख्वाजा ओपन करते, दोस्तों सरफराज खान जो इस मैच में प्ले करेंगे 3 नंबर पे आ सकते हैं। वही दोस्तों बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की, रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पे आते, मिचेल मार्श 6 नंबर पे, नीतीश कुमार रेड्डी 7वें नंबर पे, मैक्सवेल ने दोस्तों ओपन करेंगे। अब बहुत से भाई मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई आपने यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन के बारे में क्यों नहीं लिखा है, तो रविचंद्रन अश्विन का अभी प्लेस कंफर्म नहीं है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे दोस्तों हमें टॉस के बाद पता चलेगा। अभी जो भी दोस्तों में हमने न्यूज़ कलेक्ट किए, तो हमें रविचंद्रन अश्विन के बारे में या दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे, ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात नहीं है कि टीम सॉरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे ही मैचेस होने वाले, तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए पैट कुमिंस, मिचेल स्टार्क दोनों को ड्रॉप नहीं करना है, जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप नहीं करना है। अगर आप मोहम्मद सिराज या दोस्तों हर्षित राणा को ट्राई करना चाहते हो, तो एक बार आपको सोच लेना है कि जॉश हेजलवुड कितनी इंपॉर्टेंट इस पिच पे हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, तो आपको ये पता होगा टेस्ट मैच में ओपनिंग एंड डेथ बॉलर कभी कंफर्म नहीं होते, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। जैसे कि देखिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ये ओपनिंग बॉलिंग कर सकते हैं। ओपनिंग में बॉलिंग का मतलब क्या होता है कि पहले जो पांच, मैं आपको लिख लिख के बता देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। जसप्रीत बुमराह पहला फर्स्ट ओवर कंप्लीट करेंगे, पहला ओवर कंप्लीट करेंगे, मोहम्मद सिराज दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दोस्तों पांचवा, फिर ये छठवा, फिर सातवा, फिर आठवा, फिर नौवा और दसवा। तो ये पूरे के जो ओवर्स होंगे ना, ये जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ये 10 ओवर कंप्लीट कर सकते हैं विकेट निकालने के लिए। हो सकता है कि हर्षित राणा भी छठवा या सातवा ओवर कंप्लीट करेंगे, तो ये कंफर्म नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड है। मेगा लिखे ट्रम्प प्लेस की बात करेंगे, 35 लाख विन करना है, तो इन ट्रम्प प्लेस को ट्राई करना पड़ेगा। के राहुल को टीम में रख सकते हैं, जुरेल को रख सकते हैं, उस्मान खाजा को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेना, तो उस्मान खाजा को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है। सरफराज खान को कैप्टन बना सकते हैं, इंडिया की टीम बैटिंग करने का डिसीजन ले। सरफराज खान वैसे उतना ज़्यादा धीमे नहीं खेलते, लेकिन आपको पता होगा 150 रन की पारी खेल चुके रिसेंटली न्यूजीलैंड के मैच में, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा मैच। नीतीश कुमार रेड्डी, मैक्स विनी है, मोहम्मद सिराज दोस्तों हर्षित राणा है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैप्टन एस कैप्टन स्मॉली के लिए, ट्रैविस एरिया, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, कैप्टन एस कैप्टन स्मॉली के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जायसवाल है, मिचेल स्टार्क है, स्मिथ है, ऋषभ पंत, दोस्तों मिचेल मार्श, कैप्टन एस कैप्टन स्मॉली के लिए नहीं, मेगा लीग के लिए। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन पे चलते हैं सीधा। अब देखिए इस मैच की स्मॉली की टीम ना आपको बच्चा भी बनाकर दिखा देगा, कोई भी यूट्यूबर बनाकर दिखाएगा, लेकिन हमारा 100% फोकस कहाँ पाए दोस्तों, हमारा 100% फोकस है 35 लाख की ग्रैंड लीग पे। चलो मैं आपको स्मॉली की टीम बनाकर दिखा देता हूँ, सभी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम स्मॉली की टीम बनाएंगे। हेड टू हेड 3 मेंबर्स में प्ले करना है, 4 मेंबर्स में कोई भी मैच प्ले नहीं करना है, और साथ ही साथ जो हमारे भाई ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं ना, 100% फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं, मैं आपको आज नहीं विन करवा सकता, ना ही दोस्तों कल, मैं आपको एक ही दिन में विन नहीं करवा सकता, ना ही कोई आपको विन करवा सकता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 10 से लेकर 15 दिन आप वीडियो देखिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। 15 दिन के बाद आपका रैंक हर एक मैच में 20 या दोस्तों 50वें नंबर पर आएगा। लेकिन बहुत से हमारे यूजर्स को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि
भाई मैं आज वीडियो देखूंगा और आज के आज मुझे फर्स्ट रैंक पे आना है। बहुत से हमारे मेंबर्स जो हमारे साथ 15 दिन से जुड़े हुए, आप उनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दिन के बाद वो हर एक मैच में उनका रैंक 20वें नंबर पे आता है, 50वें नंबर पे आता है, 100वें नंबर पे आता है, लेकिन भाई लॉस नहीं होता, 100% प्रॉफिट में आ रहे। तो ये कभी मत सोचना कि भाई मैं चैनल सब्सक्राइब कर लूंगा और आज के आज में जो है लखपति बन जाऊंगा। हो सकता है थोड़ा धीमा धीमा चले, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आपको ग्रैंड लीग जरूर लगेगी और उसको आप मेगा लीग भी विन कर सकते हैं। ऋषभ पंत को स्मॉल लीग में लेना है, ट्रैविस हेड को, स्मिथ को, विराट कोहली को लेना है, उसके बाद रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श को लेना है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, दोस्तों मिचेल स्टार्क। अब दोस्तों हमारे पास जो ऑप्शंस है, एक तो जॉश हेजलवुड को पिक कर सकते हैं, मोहम्मद सिराज को पिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिस्क ना लेते हुए हम यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को पिक करेंगे। अब मेरे हिसाब से दोस्तों मुझे क्या लग रहा है, मुझे लगता है लबु शहनी या दोस्तों उस्मान ख्वाजा, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। लेकिन दोस्तों हम रिस्क लेने वाले सरफराज खान पे, सरफराज खान जो कि दोस्तों थर्ड में बैटिंग करने के लिए आएंगे और इस मैच में थोड़ा धीमा खेलेंगे। अब हमने दोस्तों ये भी न्यूज़ सुनी है यहाँ पे कि सरफराज खान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मैच मैच के लिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सरफराज खान एक रिस्की ऑप्शन हो गए। आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं यहाँ पे, किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे, तो मुझे लगता है बैटिंग सेक्शन से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने चाहिए। जैसे कि दोस्तों बात करेंगे आप विराट कोहली को कैप्टन बना सकते हैं या ट्रेविस हेड को कैप्टन बना के विराट कोहली को दोस्तों वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे स्मॉली की टीम बना सकते हैं। अब स्मॉली की टीम तो दोस्तों हमने बनाई है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, मेगाली की टीम बनानी है। जब दोस्तों मेगाली की टीम बनाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मेगाली के ट्रम्प प्लेयर हम चूज करते हैं। ट्रम्प प्लेयर का मतलब वो प्लेयर जो 100% चल सकते हैं। देखिए एलेक्स कैरी का सिलेक्शन बढ़ेगा 40% तक जाएगा, तो ये ट्रम्प प्लेयर नहीं होगे, मेगाली के प्लेयर नहीं होगे। यहाँ पे दोस्तों केएल राहुल है, डी जुरेल है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, तो आप चेक करेंगे नीचे में तो सरफराज खान है और दोस्तों नीचे में कोई ऑप्शन नहीं है। उस्मान ख्वाजा का देखो दोस्तों सिलेक्शन बढ़ेगा, मैं यहाँ पे इनको भी पिक कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नितेश रेड्डी, मैक्स विनी है। बॉलिंग सेक्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पे नथन लाइन का भी सिलेक्शन बढ़ेगा, जॉश हेजलवुड का भी सिलेक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास मोहम्मद सिराज है और दोस्तों हर्षित राणा है। अब देखिए हमारे पास 8 ऑप्शन है, कौन चलेगा? मुझे दोस्तों लगता है कि केएल राहुल इस मैच में चलेंगे, युजवेंद्र फ्लॉप हो सकते हैं, उस्मान ख्वाजा चलेंगे, सरफराज खान के चलने के चांसेस तकरीबन 60% है और इस मैच में आपको 7-4 के रेशियो से टीम बनानी पड़ेगी। तो देखिए मेरे हिसाब से सरफराज खान के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, उस्मान ख्वाजा है, मैक्स विनी फ्लॉप हो गए, नितेश रेड्डी चलेंगे, उसके बाद दोस्तों हर्षद राणा और दोस्तों मोहम्मद सिराज, इनको विकेट मिलेगी तो दोस्तों मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज विकेट निकाल सकते हैं। देखिए 4 प्लेयर बताना चाहता हूँ, उस्मान ख्वाजा है, सरफराज खान है, नितेश रेड्डी है और दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद सिराज है। ये 4 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में, बाकी हर्षित राणा को भी विकेट मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों मैक्स विनी है, जुरेल और दोस्तों केएल राहुल, तो इन्हें 8 प्लेयर में से ही कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मेगाली की टीम बनानी है तो हमें करना क्या है, हमें 7 प्लेयर को लेना है जो फिक्स हो गए। 7 प्लेयर मतलब उनमें से कोई फ्लॉप नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मुझे लगता है कि ऋषभ पंत चलेंगे, ट्रैविस हेड चलेंगे, विराट कोहली चलेंगे, उसके बाद दोस्तों मुझे लगता है रविंद्र जडेजा, मिचेल मार्श चलेंगे, उसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह है, पैट कमिंस से दोनों चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 7 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है 100% चलेगी, इनमें से कोई फ्लॉप नहीं होगा। अब दोस्तों मुझे क्या लगता है कि मुझे इस मैच में केएल राहुल पे ट्रस्ट नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोस्तों स्टीवन स्मिथ को या दोस्तों यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करेंगे। मुझे लगता है ये चलेंगे लेकिन शायद ड्रीम टीम में ना दिख पाएगा। ये ड्रीम टीम में नहीं दिखते हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि सरफराज खान चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे क्या लगता है यहाँ पे कि नितेश रेड्डी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे दोस्तों लगता है कि मोहम्मद सिराज इंपॉर्टेंट हो गए। और दोस्तों किसी प्लेयर पर अगर हमें रिस्क लेना है तो दोस्तों हम उस्मान ख्वाजा को टीम में ट्राई कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों उस्मान ख्वाजा को टीम में ट्राई करेंगे क्योंकि दोस्तों ये बैटिंग से पॉइंट देंगे, सरफराज खान बैटिंग से पॉइंट देंगे, नितेश रेड्डी बॉलिंग भी करना जानते हैं, साथ ही साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये हो गई हमारी हाईली रिस्की टीम, इससे ज़्यादा रिस्की टीम आपको नहीं मिलेगी और रिस्की टीम ही चलेगी, ये याद रखना है आपको, कोई सेफ टीम नहीं चलेगी। जैसे कि मिचेल स्टार्क को विकेट मिलता है एक, या दोस्तों देखिए फर्स्ट इनिंग में मिचेल स्टार्क 2 विकेट निकालते, फिर 1 विकेट निकालते, जॉश हेजलवुड 1 विकेट, फिर दोस्तों 2 विकेट निकालते। लेकिन दोस्तों बात करेंगे मोहम्मद सिराज, अगर इनको फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिल जाए, सेकंड इनिंग में 4 विकेट मिल जाए, तो इस तरह से दोस्तों हमारी मेगाली की टीम बन सकती है। कैप्टन इस कैप्टन आपको पता है। अब आपके लिए जो दोस्तों मेगाली की टीम्स बनाई है ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों फर्स्ट टीम है, उसके बाद दोस्तों आप चेक करेंगे सेकंड टीम है, उसके बाद दोस्तों ये थर्ड टीम है, ये दोस्तों फोर्थ टीम है, दोस्तों ये फिफ्थ टीम है और दोस्तों ये फाइनल टीम है। सभी टीम काफ़ी ज़्यादा रिस्की टीम है, चलेगी तो डायरेक्ट फर्स्ट नंबर पे आ सकती है दोस्तों, टॉप 10 में आ सकती है, या दोस्तों आप चाहें तो टॉप 50 में भी, या दोस्तों टॉप 50 में भी आ सकती है। तो
आपको टीम्स में कुछ चेंजेस करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया दोस्तों यही टीम लगा दी है। चेंजेस करोगे तो 100% दोस्तों आपकी टीम का रैंक अच्छा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।